हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर कॉमन वीडियो के साथ बाबिस। तो आज की इस वीडियो में फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, और ये माइनक्राफ्ट सीरीज का पार्ट नंबर 14th होने वाला है। इससे पहले 13 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा इस पूरी प्लेलिस्ट का, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी आज की इस वीडियो के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, एंड सिटी लूटने जाने वाला हूँ। वहाँ से इलाइट्रा लाना है और हो सके तो शल्कर बॉक्स बहुत लेकर आने हैं मेरे को। देखते हैं कितने मिलेंगे मेरे को। मिनिमम मेरे को 15 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं तो मैं वहां पे लूटता ही रहूंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं हमको भाई इलाइट्रा कितने टाइम में मिलने वाला है, हम कितनी बार मरने वाले हैं, सब कुछ देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले चलते हैं, पूरी मेरी तैयारी है अपने एंड पोर्टल पे, और वहां से निकलते हैं सीधा एंड सिटी को ढूंढने। ओके गाइस, अभी मैं एंड पोर्टल पे पहुंच चुका हूं। जल्दी से जल्दी करते हैं जंप इसमें। मेरा पूरा सामान रेडी है जो मेरे को चाहिए था, और सीधा निकलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड सिटी ढूंढने के लिए। नेक्स्ट नहीं मतलब पहली एंड सिटी ढूंढने के लिए। तो चलते हैं अभी, देखते हैं हमारा पोर्टल कहाँ पे है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से ब्लॉक तोड़ के ऊपर जाना होगा। मैं ब्लॉक वगैरह लाना भूल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी तोड़ते हैं इसको। मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रखी थी इस सब चीज़ों की कि मेरे को कब माइनक्राफ्ट खेलने के लिए मिले, क्योंकि अभी तो एंडर ड्रैगन मैंने मारा है, अभी तो मेन पार्ट शुरू हुए हैं सबके सब, मतलब चैलेंजिंग वाले अभी शुरू है। मेरे को चैलेंज करना अच्छा लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि 4-5 विचर से एक साथ ही फाइट करूँगा मैं, ऐसे ऐसे सीन। तो फिलहाल तो मेरे को इलाइट्रा चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ वहाँ पे बोरा सामने हमारे पोर्टल, तो मैं पोर्टल पे जाने वाला हूँ, और उसमें मेरे को एंडर पर्ल फेंकनी होगी शायद। हाँ, एंडर पर्ल फेंकनी होगी, उसके बाद आराम से मैं उसके आर पार हो जाऊँगा, मतलब किसी और डायमेंशन में चला जाऊँगा। ये तो सिर्फ एक ही आइलैंड है जहाँ पे एंडर ड्रैगन रहता था, और इसको हमने पिछले वाले एपिसोड में मार दिया था। और इसमें मेरा फेस कैम था, मेरे को फेस कैम इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास भाई माइक और अपने और भी मतलब कैमरा वगैरह अच्छा नहीं था, तो सब कुछ सीन नहीं था मेरे पास इतना सेट, इसलिए मेरे को पिछले वाला एपिसोड अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी अभी पहले तो बातें खत्म करता हूँ, ये ब्लॉक तोड़ के मेरे को उस पोर्टल पर जाना है, तो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर सीधा। ओके, अभी मेन पार्ट यहाँ से शुरू हो चुका है, मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल इसके आजू बाजू। अब यहाँ से मेरे को एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। मेरे को पता है मेरे को एंडर पर्ल मारनी नहीं आती अभी, इतना अच्छा फेंकने नहीं आती, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा हूँ जहाँ पे आजू बाजू ब्लॉक लगा के, अगर मेरी एंडर पर्ल गलती से भी इधर उधर लगती है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेफ रहूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे गिरा तो मेरा पूरा का पूरा नेदराइट आर्मर, पूरे के पूरे टूल्स, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। मेरे को जितना हो सके उतनी सेफ्टी रखने की आदत है, तो हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। जितने हमारे पास ब्लॉक है मैं सारे के सारे यहाँ पे वेस्ट करने वाला हूँ। तो देखते हैं भाई अभी हम बच जाएंगे या फिर मरने के चांस अभी भी हमारे हैं। मैं बोलता तो रहता हूँ कि मैं आउट हो जाऊँगा, लेकिन मैं सच में नहीं मर रहा इसमें। माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा तो प्रो हो चुका हूँ मैं वैसे, लेकिन हाँ इतनी भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा। ओके, हुआ क्या, मैं हुआ टेलीपोर्ट, हाँ हुआ, ये कोरस फ्रूट आ गया। ओके, फाइनली हम एंड सिटी ढूंढने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा भाई पोर्टल, इसके ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ओके डन स्क्रीनशॉट, अब निकलते हैं। ये थोड़ा सा ये भी उठा लेते हैं, क्योंकि शल्कर भाई हमको अगर वो इफेक्ट दे, व्हाट द हेल भाई, इसको क्या दिक्कत है, ये स्टार्टिंग में ही क्यों पीछे पड़ जाते हैं मेरे यार। चलो जो भी है, ये तो अपने आप ही मर जाएगा, निकल जहाँ से। अरे एक शॉट क्या पड़ा भाई उसके, इसको उठा लेते हैं थोड़ा सा कोरस फ्रूट को, क्योंकि इससे आपको पता ही है अगर हम शल्कर के इफेक्ट की वजह से अगर उड़ने लगे ना, तो इसको अगर हम खा लेंगे तो हम ज़मीन पे आ जाएंगे, तो बस ये इसलिए चाहिए हमको। और शुरू करते हैं ढूंढना हमारी एंड सिटी, देखते हैं हमको टोटल कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो बाकी देखता हूँ आपको सीधा वहीं पे मिलता है एंड सिटी पे अभी। ओके गाइस, हमारी फर्स्ट एंड सिटी मिल चुके हैं हमको, जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचते हैं और इसको लूटना शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा भाई, अबे मैं सफोकेट हो रहा था उसमें, मतलब फंस गया था ब्लॉक के अंदर। वाह रे भाई, मैंने एंडर पर्ल फेंकी, अभी नहीं फेंकूंगा, अभी तो कतई नहीं फेंकूंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा घटिया फेंकने आती है ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसको लूटते हैं। एक ही बिल्डिंग है, एंड सिटी बहुत छोटी है, इसमें इलाइट्रा तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो बोट वाली एंड सिटी होगी उस पर ही इलाइट्रा होगा। तो लूटते हैं इसको, हमको इससे कम से कम वो तो मिल जाएगा शल्कर बॉक्स, तो लूटते जल्दी जल्दी इसको। अबे यार लग गया इफेक्ट, ये देखो मैं ये चीज़ बोल रहा था, अगर हम इसको खाएंगे फिर से ज़मीन पे आ जाएंगे, और फिर से खाएंगे फिर से ज़मीन पे आ जाएंगे, और वो हमको शायद 10 सेकंड या 7 सेकंड का इफेक्ट देते हैं उड़ने वाला। तो इसको लूटना है हमको एंड सिटी को जल्दी। ये एंड सिटी नहीं, एंड क्या बोलें इसको, ये तो बिल्कुल छोटी है, सिटी नहीं बोल सकते इसको, एंड बिल्डिंग बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है ना। ओपन हो ना। ओके ख़त्म,
हमारा ये बहुत तगड़ा है भाई, बो एंड एरो टूटा और अरे वो एंड हमारी एंडर पर्ल से वो क्या बोलते हैं वो स्पॉन हो चुका है, उसके पीछे एंडर पर्ल एंडरमैन पागल हो रहे हैं, देखो एंडरमाइट शायद, हाँ एंडरमाइट बोलते हैं इसको, उसके पीछे एंडरमैन पागल हो रहे हैं भाई। चलो हमको टोटल 2 शल्कर शैल तो मिल चुके हैं, इसका मतलब हमको 2 शल्कर बॉक्स तो ईजिली मिल चुके हैं, अभी शायद 2 ही बनते हैं ना इससे, मेरे को पता नहीं है, बनाने की रेसिपी नहीं पता। एंडरमैन ने भाई दिमाग खराब कर दिया, कितना शोर मचा रहे हैं ये। ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा था और मैं चुप कर गया था, पता नहीं क्यों, किस रीज़न से मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये 4-5 दिन की रिकॉर्डिंग है और इतने दिनों में मैंने ये अलग अलग दिन में एंड सिटी लूटी है और भाई इसमें ऊपर जाते वक्त मैं चुप कर गया था और यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ऊपर जाके मेरे को काफ़ी ज़्यादा शल्कर मिलेंगे, उनके साथ मेरी फ़ाइट होगी, तो आप इन्जॉय करो फाइट। ओ भाई साहब ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा शल्कर है, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमने 15 का टारगेट रख रखा है तो शायद यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। भाई उनको डैमेज पड़ रही है अपने आप से, जब भी मेरे को हिट लग रहा है उनका तो उनको डैमेज पड़ रही है, क्योंकि हमारे आर्मर पे इतनी खतरनाक एन्चेंटमेंट है ना, तो भाई ये खुद ही मर जाएंगे मेरे को लगता है। अरे यार रुक जाओ भाई, वो नीचे मेरे को लगता है एक ने शल्कर शैल गिराया है, मेरे को वो चाहिए। ओ भाई साहब ये मैं कहाँ आ गया, मैं टॉप पे आ गया मेरे को लगता है इसके, एक मिनट नीचे जाना है मेरे को यहाँ से भाई। अरे चलना भाई, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ज़्यादा ऊपर टॉप पे टेलीपोर्ट हो गया था भाई, मेरे को शल्कर शैल चाहिए वो जो मतलब एक गिरा था यार, एक मिनट इनको लूट लेते हैं पहले, तो सीधा नहीं दो। अरे भाई डायमंड से मतलब फेस बना रखा है, बूट रख के सेंटर में, कर्स ऑफ बाइंडिंग 1 नहीं चाहिए भाई, कर्स ऑफ बाइंडिंग क्या करना है मेरे को। ओके लेगिन जे चल जाएगी, अनब्रेकिंग मैंडिंग ओके, और नहीं हमको कुछ भी चाहिए, डन। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है लेकिन मेरे को शल्कर चाहिए, अरे मैं फिर से खाने लगा था गलती से, हमारी बो और उसको तोड़ो ओके। अरे एक हिट का ही था भाई, हाँ शायद इनको डैमेज पड़ रखी ना ऑलरेडी मेरे से, अभी भी जिंदा है भाई एक, अरे अरे प्लीज़ 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 ओके, एक ये पड़ा है और नहीं है क्या, कितने हो गए टोटल मेरे पास, एक मिनट मैं ये अपना एरो ले लेता हूँ, डन। ओके गाइस मेरे को पिछली वाली एंड सिटी में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे को दूसरी एंड सिटी मिली है जिसमें बोट बिल्कुल ली है, मतलब इलाइट्रा हमको इसमें भी नहीं मिलने वाला लेकिन हम लूटेंगे तो इसको भी, क्योंकि हमने 15 का टारगेट रखा। अबे वो गायब हो गया भाई, अरे रुक जाना भाई एक मिनट तेरी, तो तू भी गायब मत हो जाना, हाँ इसने शल्कर शल गिराया है, यहीं पर रुकते हैं, मेरे को ये चाहिए। ओके 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 डन, ऑलराइट अभी देखते हैं भाई, ये रहा भाई वो, भाई साहब मैं भी सोच रहा था वो टेलीपोर्ट होके गया तो गया कहाँ, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ इसको नूबड़े को, एक मिनट रुक जा, ये स्विच की हमने स्वॉर्ड और इसको ख़त्म करते हैं। ये क्या था भाई, मर गया क्या, हाँ EXP मिली है तो मर गया मर गया मर गया, लेकिन शल्कर शल नहीं देकर गया। ओके हमारे पास टोटल 4 तो हो चुके हैं, हमको 15 टोटल चाहिए, तो हमको कितने और चाहिए, 11 ठीक है। ओ भाई साहब प्लीज़ इन सब में से मेरे को अलग, अरे इनको ना पता क्या करना होगा मेरे को लगता है, अगर मेरे ये मतलब आर्मर से मरेंगे तो मेरे को इनका कोई भी शल्कर शैल या कुछ भी ड्रॉप करने का रेट कम हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा ठीक है, इसलिए मेरे को इनको वेपन से ही मारना होगा, जैसे कि स्वॉर्ड बो किसी से भी मारूं तो भी ही मिल पाएगा। तो अबे मैं बाहर टेलीपोर्ट हो गया, मेरे को लगा नीचे उतरूंगा यार, फिर से नीचे उतरो, ओके ये बात बढ़िया हो गई भाई, अभी मेरे को ऊपर जाना होगा, नीचे का पार्ट तो मैंने लूट डाला है, तोड़ो इसको, ऑलरेडी निकल चुका हूँ भाई यहाँ से तो मैं, चलो ऊपर जाना है हमको, यहाँ पे ये लगाओ ब्लॉक, मेरे को ऊपर चढ़ने का तरीका पता चल चुका है वैसे, एक जैसे ये मतलब स्टेयर्स कैसे लगाते जाओ एक एक ब्लॉक, हम ऊपर चढ़ते जाएंगे सीधा, ये देखो ये मैंने एकदम सीढ़ियों टाइप बना लिया पूरा, और मैं नीचे भी नहीं गिरूँगा। ओके टच करा, ये मैंने जानबूझ के कराया क्योंकि मेरे को ऊपर उड़ना है और इनको मारना है। ओके ये भी ख़त्म, मेरे को उससे मिला क्या, मेरे को लग रहा है वैसे उससे भी मेरे को शल्कर शल मिला है। अरे 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 तेरी तो,
अरे मैं उसको मारने जा रहा था, इनके पास वो भी है यार, क्या बोलते हैं इसका, नॉक बैक थोड़ा सा, ये पीछे को तो गेल देते हैं मेरे को। एक मिनट रुक जा, अभी निकालता हूँ वो अपनी, निकल जहाँ से। एक एरो की मार नहीं है, नखरे देख लो इनके। अब हो रहा है, वो टेलीपोर्ट हो गया क्या या फिर मर गया? टेलीपोर्ट हो गया मेरे हिसाब से तो। अभी वेट करना होगा कब मैं नीचे गिरूंगा भाई। शलकर शैल गिराया क्या किसी ने? कोई दिख तो रहा नहीं, लेकिन क्या सीन है भाई, एक भी शलकर शैल नहीं, ये कैसी बात है? इतने तो मारे मैंने, मेरे को लगता है वो मेरे आर्मर से ही मर गए सभी ना, इसलिए नहीं मिला। ओके अभी कर क्या सकता हूँ गाइस, तो मैं यहाँ से चेस्ट लूट के सीधा लूट निकलने वाला हूँ। एक और चेस्ट प्लेट, वो भी प्रोटेक्शन 3 और मेंडिंग के साथ, सही है भाई, ये भी बढ़िया एन्चेंटमेंट है। मेंडिंग वैसे मेरे को इजीली मिल जाएगी, और प्रोटेक्शन का ही मेन सीन होता है, तो बस वो मिलती रहे हमको। ओके गाइस निकलते हैं अगली वाली एंड सिटी के लिए, यहाँ पे तो हमको कचरा भी नहीं मिला, तो निकलते हैं आगे। ओके गाइस अभी रियल लाइफ का मेरा चौथा दिन चल चुका है ये माइनक्राफ्ट एंड सिटी में इलाइट्रा ढूंढते हुए, और मैं बता दूं आपको ये मेरी थर्ड एंड सिटी है, और जो तीसरा दिन था हमारा वो खाली निकला, मेरे को एक भी एंड सिटी नहीं मिली थी। अब ये चौथा दिन मेरा स्टार्ट हुआ है खेलते हुए माइनक्राफ्ट, और इसमें मेरे को एक स्टार्टिंग में ही एंड सिटी मिल चुकी है, जिसमें दो बिल्डिंग अटैच है टोटल, और एक ऊपर जाती है, वो शायद उसमें इलाइट्रा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो बोट वाली होगी एंड सिटी, जिसमें बोट अलग से रहेगी, और उसमें ही इलाइट्रा हमको मिलेगा। लेकिन हो सकता है जहाँ से को शलकर शैल काफ़ी ज़्यादा मिल जाए, जिसका हमारा टारगेट है 15 का टोटल, 5 हमारे मतलब पहली ऑलरेडी हो रखे हैं, मतलब हमको पिछली वाली में ही मिले थे एंड सिटी पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, और एक उसमें ही से मिला था, और एक हमने जहाँ से मार के गिराया है शायद इससे भी शलकर शैल नहीं मिला है, जो कि हमारी किस्मत ख़राब है। ओके अभी जो सामने दो हैं शायद इनसे एक मिल जाए, एक मिल जाए प्लीज़, एक तो मिल ही जाए दोनों से, देखते हैं भाई। ओके अरे इस साइड भी दिखता हूँ क्या इनको मैं, क्या सीन है यार इनका। एक मिनट इनको मैं तोड़ सकता हूँ, ये ख़त्म। अरे क्या सीन है तेरी तो। ओके हो गया, मेरे को लगा लगेगा मेरे को अभी। अब यहाँ से मैं बो से ही मारने वाला इनको, देखता हूँ भाई मिलेगा कि नहीं हमको। हो जाना ओपन, नहीं हो रहा भाई, ख़त्म। उसने ड्रॉप किया क्या? इसने किया। ओ भाई साहब, एक और हमको और मिल चुका है, 5 हमारे पास ऑलरेडी थे, और अभी टोटल 6 हो चुके हैं। ठीक है अब निकलते हैं आगे, देखते हैं हमको टोटल कितने मिलेंगे इस एंड सिटी में। नीचे वाली बिल्डिंग तो डन हो चुकी है, ये ऊपर वाली एक बची है, इसमें देखते हैं कितने टोटल शलकर मिलने वाले हमको। मेरे को लगता है मेन जो होता है ना, जिसमें शलकर का भंडार होता है, तो वो ऊपर वाली बिल्डिंग है थोड़ी सी। ओके इसने भी ड्रॉप किया, तो जल्दी जल्दी मैं ऊपर जाके देखता हूँ कितने हमको टोटल मिलने वाले हैं। और ये वही सेम टू सेम जगह आ चुकी है, जिसमें हमको काफ़ी ज़्यादा शलकर देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरे को एक की आवाज़ आ रही है यार, जहाँ से इस साइड से कहाँ है भाई, नीचे है क्या? ओके पहुँच चुके हैं हम ऊपर, और सेम टू सेम चेम्बर पे आ चुका हूँ मैं, मेरे को हिट करो। ओके हो गया, अभी ऊपर चलते हैं धीरे धीरे, और मेरे को इनको बो से ही मारना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे आर्मर से ही मर जाएंगे, क्योंकि ये अगर मेरे को डैमेज करेंगे उल्टा इनको ही पड़ती जाएगी थोड़ी थोड़ी। ओके ये भी ख़त्म, निकल तू भी। उसने ड्रॉप किया, डन, मेरे को यहीं पे वेट करनी होगी। अरे दोनों ने ड्रॉप किया है, ओके भाई साहब बढ़िया बात है, ये तो मतलब मेरे को बो से ही मारना पड़ेगा इनको, तब जाके मेरे को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा ना। अभी 9 हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके निकलते हैं आगे, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं सीधा आगे निकलने वाला हूँ, लेकिन इसमें लूट अच्छी है दोनों चेस्ट में, तो मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। एक तो हमको लेगिन मिली है, चेस्ट प्लेट मिली है, और अब हमको स्वॉर्ड मिली है, और मैं हैरान हो रहा हूँ स्वॉर्ड पे भाई फायर एक्सपेक्टेड 2 लिखा हुआ है, ये 2 भी होता है क्या? मेरे को लगा फायर एक्सपेक्ट का कोई लेवल नहीं होता, सिर्फ एक ही होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको मिला है तो हम रखते हैं यहाँ पे। और भाई जो मेन्स माने मैं इसमें भर देता हूँ, ठीक है, और मेरे को शलकर शैल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही मेरे को यही लग रही है, तो मैं शलकर शैल ऊपर रखने वाला हूँ, और कुछ मेरे को मिले ना मिले, और बाकी सामान तो नहीं कुछ चाहिए, ये स्वॉर्ड भी रख देते हैं। अब मैं स्वॉर्ड को इसलिए संभाल के रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें फायर एक्सपेक्ट के साथ साथ स्माइट 5 है, जो वीदर को मारने में मेरे बहुत काम आने वाली है, और हमारे पास ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसमें हमको स्माइट दे रहा हो, ठीक है, तो इनको संभाल के रखते हैं और निकलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड सिटी के लिए। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, मैं देख के शॉक हो गया था,
भाई साहब कितनी बड़ी एंड सिटी है, मतलब लगभग 3 एंड सिटी को मिला के एक एंड सिटी बन रही है। लेकिन इसमें भी भाई वही नहीं है, क्या बोलते हैं हमारी बोट वाली, जिसमें हमको इलाइट्रा नहीं मिलेगा। तो मेन तो ये है, लेकिन इसमें शल्कर शेल बहुत मिलने वाले मेरे को, क्योंकि कितनी बड़ी है यार ये। तो देखो एक बार, मैं इसके आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगा के घूम चुका हूँ, अभी मैंने सब जगह चेक कर लिया, मेरे को वो बोट कहीं पर भी नहीं मिल रही इलाइट्रा वाली। लेकिन ये है कि इसमें लूट मेरे को अच्छी खासी मिल जाएगी, शल्कर बॉक्स हमको भर भर के मिलेंगे जितने हम रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वाली एंड सिटी को लूटना, देखते हैं हमको कितना टाइम लगेगा। और मैं इसको लूटता हुआ आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इनको ही मारना है मेरे को शल्कर को ही। अब ये जो बाहर है, सबसे पहला तो यही टारगेट रहेगा मेरा, इसको खत्म कर। तेरी तो भाई इसने इफेक्ट दे दिया, मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर हूँ, अगर जहाँ से गिरा तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्काफ होल्डिंग लगा रखी है मैंने, इसलिए मैं इसको लेकर आया था। ओके ख़त्म, कुछ ड्रॉप नहीं किया मेरे हिसाब से उसने। अब नीचे उतरना होगा धीरे धीरे मेरे को। और भाई मैं सेंटर वाली बिल्डिंग से शुरू करूंगा, जिससे ये ऊपर को मतलब पेड़ की तरह बन रहा है ना ये पूरा का पूरा सीन, तो मैं नीचे से ही स्टार्ट करूंगा और एक बिल्डिंग पे खड़ के सबको मार्क कर दूंगा और धीरे धीरे करके इनको लूटने वाला हूं। इसमें से तो सिर्फ मेरे को ये शल्कर ही मिलेंगे और ये मेरे को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास आर्मर ही इतना तगड़ा है। अगर जितना मेरे को ये मारेंगे ना, उतनी जल्दी ये मरेंगे। मतलब हमारे सामने एंडर ड्रैगन नहीं टिक पाया, तो ये शल्कर तो हमारे क्या ही बिगाड़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई इनको क्या दिक्कत है, मेरे को यही चीज़ नहीं समझ में आती। मैं इनको देख नहीं रहा हूँ, इनकी आंखों में नहीं देख रहा, मैं इनको मारने की ट्राई नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पागल हो जाते हैं भाई एंडरमैन। तेरी तो मेरे को गुस्सा आ रहा है इससे भाई, और ये रुकते भी नहीं है, अभी रुक के फाइट कर लें और ले फिर गायब हो जाता है ये। चलो मर जाएगा कुछ सही भाई, और क्या कर सकता हूँ मैं। ओके गाइस मैं लूटना शुरू करता हूँ, ये तो भाई करता रहेगा ऐसे ही कुछ ना कुछ तो। ओके गाइस मैं सामने वाले को मारता हूँ और ऊपर चढ़ता हूँ धीरे धीरे करके, देखते हैं हमको टोटल कितने मिलने वाले हैं। मैं आपको सीधा बस शल्कर दिखाने वाला हूँ, ये पूरी फाइट दिखाने बैठूंगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी एंड सिटी है। जब तक हमको इलाइट्रा नहीं मिलेगा, मैं आपको लगभग अगर सारी दिखाने बैठ गया ना तो भाई बहुत लंबा सीन चल जाएगा। ओके भाई दोनों से नहीं कुछ मिला मेरे को यार, क्या सीन है। चलो ऊपर चलते हैं भाई साहब। मैं अभी सोच रहा था कि मैं आपको ये फाइट कोई नहीं दिखाऊंगा इसमें, लेकिन मैं एक बिल्डिंग में आया हूँ और इसमें ये शल्कर देखो कितने हैं। ओ भाई साहब, और ये मेरे को मारे जा रहे हैं, मेरे को लगता है ये मेरे आर्मर से ही मर जाएंगे। मेरे को जल्दी से जल्दी मारना होगा इनको, अगर मैं आर्मर निकालूंगा तो भाई मैं मरूंगा, अगर मैं आर्मर नहीं निकालूंगा पहन के रखूंगा तो ये मरेंगे, और हमको इनसे शल्कर शेल भी नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आर्मर पहन के रखेंगे, हमको कितने भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम धीरे धीरे करके इनको मारते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एंड सिटी है भाई। मरना जल्दी भाई, जल्दी जल्दी इसको भी फेंको। कितने एरो ले रहे हैं भाई ये, बोरा एक नीचे गिरा मैं। ओके हमारे पास एक भी नहीं था, देख अरे यार फिर लग गया, वो टोटल दो हैं और नीचे, कोई दिक्कत नहीं है हमको दोनों चाहिए वो। अरे मैं कहीं पर रुक जाऊँ अटक के यार, तेरी तो पहले तेरे को ही ख़त्म कर। वो टेलीपोर्ट हो गया भाई, बताओ निकल, ये भी ख़त्म। और कुछ बचा है क्या, कोई और तो नहीं है यहाँ पे, नहीं मेरे को नहीं लग रहा कोई और है। चलो नीचे उतरो धीरे धीरे, सीधा जंप। ओके हमको टोटल कितने मिले हैं देखूँ एक बार, ज़रा ओपन करके इसको उठाओ भाई, काफ़ी ज़्यादा मिल गई यहाँ पे यार। लेकिन वो आधे से, ये कहाँ से पड़ी भाई मेरे को, अभी ऊपर और भी है भाई साहब, कितने ही है ये तो। अरे भाई साहब लॉटरी लग गई यहाँ पे तो मेरी कंफर्म भाई, जल्दी से जल्दी इनको भी ख़त्म करता हूँ, देखता हूँ भाई कितने मिलने वाले हैं, टोटल मैं काउंट करूँगा बाद में। अबे तेरी तो, एक मिनट अच्छा, अरे मारने तो थे भाई फिर ऊपर उड़ा दिया इसने। इनके पास ये नॉक बैक का सीन है ना, जो मेरे को वही घटिया लगता है, बाकी सब सीन सही है। तेरी तो निकल जहाँ से, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। ओ भाई साहब वहाँ पे दो पड़े हैं, दो शल्कर शेल पड़े हैं वहाँ पे, मेरे को नीचे उतरना होगा जल्दी से जल्दी, वो उठाने होंगे। ओके अबे यार मैं गोल्डन कैरेट खा रहा था, गलती से मैंने ये खा लिया। ओके जल्दी से जल्दी देखो कहाँ पे हूँ मैं अभी, एक मिनट में सीधा जंप करने वाला हूँ नीचे। और ये रहा कहाँ पे था वो दो शल्कर शेल गिर रखे थे वहाँ पे। मेरे को लगता है मैं ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ। अरे एक मिनट, यहाँ पे एक और शल्कर शेल है भाई, किस्मत अच्छी है मैं नीचे भी आया, बढ़िया बात है यार, नहीं तो मैं ऊपर से लूट के चला जाता। अब मेरे को ऊपर वाले भी ढूंढने होंगे, उनको डिस्पॉन होने में बस थोड़ा सा ही टाइम और होगा।
किस साइड को था भाई, मेरे को वो रास्ता देखना होगा ना अभी, जिस साइड को रास्ता जा रहा होगा उसी हिसाब से होगा भाई, बाद में देखी जाएगी, पहले ऊपर चलता हूँ मैं। अगर भाई मैं पहुँचने में देरी करती वो डिस्पॉन हो जाएंगे, टोटल दो हाथ से चले जाएंगे मेरे। एक रास्ता इस साइड को जाता है, शायद इसी साइड होंगे, देखते हैं। ओके, सही अंदाजा था मेरा, इनको भी उठाओ, टोटल तीन हमको और मिल चुके हैं। और राइट, अभी मेरे को सीधा ऊपर जाके चेस्ट लूटनी होगी मेरे को लगता है। कितने हो चुके हैं ये भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके चेकआउट करते हैं। अरे यार ब्लॉक ख़त्म, ये ब्लॉक तोड़ो, एक मिनट रुक जाओ, ऊपर चेस्ट होंगी मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए ना। ओके, नौ हो चुके हैं भाई ऑलरेडी, चल कर शैल हमारे पे। वैसे तो मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैंने ये इन्वेंट्री ओपन कर दी तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तोड़ने पड़ेंगे क्या, रुको यार। ओके गाइस, ये वैसे तो ये बेफालतू की चीज़ें ही हैं, अभी तो यहाँ पे टाइम लगने वाला है और भी ज़्यादा, तो मैं जल्दी से जल्दी इस एंड सिटी को लूटता हूँ। मेरे को निकलना है फिर सीधा एक सीधा भाई इलाइट्रा वाली एंड सिटी के लिए, पहले तो इनको लूटता हूँ और आगे निकलता हूँ। और ये पहले एक मिनट में आपको ये भी दिखा देता हूँ चेस्ट। अरे यार कचरा, अरे रुको भाई, मेरे को ओपन करना है वो। ओके, एक स्वॉर्ड, शार्पनेस 4 और लूटिंग 3। अरे ये लूटिंग इन पे वर्क करेगी क्या शलकर पे, ये तो देखना पड़ेगा यार। मैं लूटिंग लगा के नहीं आया, एन्चेंटमेंट मेरे को मिल सकती थी, मेरे कुछ लग रहा है कि लाइब्रेरी हमको दे रहा है लूटिंग, लेकिन मैं लगा कर नहीं आया। जिस वार्ड पे लूटिंग लगती है भाई, मैंने जो एन्चेंटमेंट के बारे में पढ़ा ही नहीं। ओ भाई साहब सीरियसली, एक मिनट जी टेस्ट। ओके ओके, इस पे टेस्ट करके देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये रही हमारी स्वॉर्ड, शार्पनेस 4 भी इस पे। ओके, हमारे पास 9। भाई साहब ये क्या सीन है भाई, लूटिंग 3 शलकर पे वर्क करती है, टोटल 9 से सीधा 12 शलकर शैल मिल गए मेरे को एक को मारने से। ओ भाई साहब, मैंने मतलब इतना मिस कर दिए ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त है भाई, क्या किस्मत पाई है मैंने यार, ये इन पे वर्क करती है मेरे को अभी पता चला। भाई लोग मेरे को लग रहा है कि मेरी गलत फहमी थी, इसलिए मैं इनको मार के टेस्ट करने वाला हूँ। एक मिनट रुक जाओ दोबारा से, मेरे पास टोटल 12 आ चुके हैं, 12 से सीधा 15 भाई साहब, अब 15 हो चुके हैं। एक मिनट इसको मार के देखते हैं, एक मिनट को। ओके, इसने भी ड्रॉप किया है, मेरे को पल फेंकनी चाहिए जहाँ से, एक मिनट को, मेरे को वो भी देखना होगा। ओ भाई साहब 15 से सीधा 18 भाई, 3 मारे हैं मैंने, सिर्फ 3। ओ भाई साहब, मैंने इतनी खतरनाक चीज़ मिस कर दी क्या। ओके गाइस, मैं जल्दी से जल्दी लूटता हूँ फिर इस एंड सिटी को, आगे मिलता हूँ आपको, क्योंकि इसमें बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ओके गाइस, अभी मैं दूसरी बिल्डिंग में आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा शलकर शैल मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने कुछ भाई स्वॉर्ड से मारे हैं और कुछ मैंने बो से भी मारे हैं, मैक्स ऑफ दी टाइम मैंने बो से ही मारे हैं। और अभी यहाँ पे एक मेरे को चेस्ट मिली है, ये अभी मैं सिर्फ दूसरी बिल्डिंग में हूँ, तो आपको ये दूसरी बिल्डिंग का मैं दिखा देता हूँ पूरा चेस्ट ओपन करके, इसमें क्या क्या है। ओके, इसमें टोटल 2 चीज़ें अच्छी हैं, एक तो हमारी डायमंड की शवल, दूसरा हमारा हेलमेट। एक मिनट इसको ख़त्म कर दूँ, एक मिनट रुक जाओ, ये भी ख़त्म, मेरे को लगता है उसने भी ड्रॉप किए हैं शायद चलकर। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको इसमें क्या क्या मिलेगा, सिल्क टच, अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी 5। भाई साहब ये तो काम की चीज़ है यार, एफिशिएंसी की बुक्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं है ऐसा जो हमको एफिशिएंसी दे रहा है। ओके, अभी मेरे को दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे को लगता है ऊपर एक शलकर शैल पड़ा था हमारा, एक मिनट रुक जाओ। डन, ओके गाइस, यहाँ पे तो हमारा टोटल डन हो चुका है। और ओ भाई साहब नीचे भी पड़े हैं 2, सही है यार। ओके गाइस, अभी टोटल 1.5 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने पूरी की पूरी ये सारी बिल्डिंग लूट डाली। और मैं आपको 6-7 बोल रहा था ना भाई साहब, देखो एक बार ऊपर आकर भाई कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। और मेरे को टोटल 59 शलकर शैल मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, मान के चलो अगर मैंने कम से कम 20 या 30 को मारा होगा, तो 30 में से कम भाई मैंने 22 या 25 को सिर्फ बो से मारा होगा, कुछ ही थे जिनको मैंने स्वॉर्ड से मारा है, ठीक है। और मेरे को ये सारी लूट मिली है, आप सामने देख सकते हो क्या क्या लूट मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है। और ये सारी लूट मेरे को इस वाली एंड सिटी से मिली है, और इसमें मेरे को अभी तक इलाइट्रा नहीं मिला है, तो मेरे को सिर्फ इलाइट्रा वाली एंड सिटी देखनी होगी। हमारे पास जो मेन गोल थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मेरे को बढ़ना होगा आगे और अगली सिटी की खोज में निकलना होगा, ठीक है। और ये वाली एंड सिटी भाई बहुत बड़ी थी, और इसमें मेरे को जो मेन चीज़ थी शलकर शैल वो बहुत भर भर के मिले हैं। अब मेरे को कुछ नहीं देखने की जरूरत, सिर्फ बोट देखनी होगी हर एक एंड सिटी के अंदर,
और वहाँ पे रुक के वो बस इलाइट्रा उठाना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। ठीक है, एक तो फिलहाल इस वाले एपिसोड या इस पार्ट के लिए मेरे को एक चाहिए अभी अभी, और उसके बाद मैं बाकी ऑफलाइन में भी ढूंढ सकता हूँ या फिर लाइव पे भी ढूंढ लूँगा, और अगर एक और इलाइट्रा ढूंढना भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ मेन गोल हमारा एक ही होगा टारगेट। तो जल्दी से जल्दी निकलते हैं आगे वाली एंड सिटी के लिए, और अब मैं सिर्फ आपको सीधा उसी एंड सिटी में मिलूंगा जिसमें बोट होगी। देखते हैं मेरे को टोटल कितना दिन लगने वाले हैं और कितना टाइम लगने वाला है। बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद फाइनली अभी जाके मेरे को एक ऐसी एंड सिटी मिली है जिसमें है बोट। मेरे को लगा ये बड़ी होगी, लेकिन नहीं, बहुत छोटी है, इसमें एक बोट जरूर है। ठीक है, अब मेरे को एक ड्रैगन हेड और भाई मेरे को एलाइट्रा मिल जाएगा। ठीक है, मैं वो चीज भूल ही गया था, मैंने जब दोबारा चेक किया कि इसको कैसे फाउंड करते हैं, वो बस नॉर्मली है कि आपको एंड सिटी ढूंढते रहना है, आपको ऐसे ही मिलेगी ये बोट वाली। तो अभी मैं सीधा क्या करने वाला हूँ, हमारे पास सारी की सारी लूट तो ऑलरेडी है, तो मैं इसके नीचे जाके बस अपनी स्काफ होल्डिंग लगाऊंगा, आराम से ऊपर जाऊंगा और अपना एलाइट्रा लूंगा, निकल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारा कुछ पड़ा है। ठीक है, अब हमको वेट करने की जरूरत नहीं है किसी चीज के लिए। अरे यार, एक तो इन्होंने तंग कर लिया और ये मार भी नहीं पाते मेरे को, और तो और मतलब एक हार्ट कम कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक भी पूरा नहीं बोलूंगा, आधा ही कम कर पाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनको इग्नोर करो क्योंकि ये गायब हो जाते हैं, इनको मारने में बहुत दिक्कत आती है। अरे यार तेरी तो, मेरे को गुस्सा आ रहा है इस पे भाई बहुत ज्यादा। एक तो ये गायब हो जाते हैं ना मेन। ओ अभी मैंने स्वॉर्ड निकाली, जी मर गया भाई, कितना हैंग होता है कभी कभी फ़ोन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके अभी मैं इसको सीधा ऊपर लेकर जाऊंगा और ऊपर जाके आराम से उसको इलाइट्रा को लूटूंगा और भाई निकलेंगे यहां से फाइनली। एंड से भाई निकलने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं बता दूं आपको, बहुत दिन लग जाते हैं यार एक वीडियो रिकॉर्ड करने में अपनी माइनक्राफ्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई सीधा अपना को बस पहले ड्रैगन हेड लूट लेना है। ओके, अरे इसको अटैच कैसे करूं मैं? ओके हो गया हो गया हो गया, इसको तोड़ो और तेरी भाई साहब। अबे यार, एक तो इसने तंग, भाई यार रुक जाना प्लीज़, मेरी हेल्थ कम हो रही है भाई। अगर मेरे को नीचे गिरा दिया तूने, मैं गाली ही दे सकता हूँ और तो क्या ही कर सकता हूँ इसका, अभी मार सकता हूँ इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी ऊपर चलते हैं सीधा और लूटते हैं अपना ड्रैगन हेड। पहले सबसे पहले तो इसको ही तोड़ते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे तोड़ते ही है ना इसको, मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया फिर से। हाँ वैसे तोड़ते ही हैं, सिल्क टच से ही तोड़ूंगा इसको मैं। अरे उस पर क्यों नहीं जा रहा, पहले इसको ही तोड़ो फिर। ओके हाँ अब तोड़ देता हूँ, थोड़ा आगे हो, डन। ओके ड्रैगन हेड मिल चुका है हमको, अब बारी है एलाइट्रा की, जहाँ पर शल्कर कहाँ है। ओके एक ऊपर है और एक अंदर होगा शायद, है ना, ऐसे ही होगा। ओह यहाँ पे स्पेल पोशन भी है क्या, इंस्टेंट हीलिंग 2। ओके सही है फिर तो, इनको रख लेते हैं। एक मिनट ड्रैगन हेड पहन के देखूं, बिल्कुल घटिया लग रहा है, मैं नहीं पहनूंगा, छोड़ो इसको आगे बढ़ते हैं। ओके और एक छल कर इसको मारते हैं पहले, तेरी तो। ओके लग गया मेरे को यार, अब वेट करना पड़ेगा। अरे भाई एक और छल कर शैल लगाओ, क्या बोलूं अभी मैं इसके बारे में, अभी तो मैंने वो क्या बोलते हैं लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड से भी नहीं तोड़ा इसको। तो यहाँ पे क्या मिला है हमको, फायर प्रोटेक्शन। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा डायमंड है भाई यहाँ पे, ये भी उठाओ ये भी उठाओ ये भी उठाओ और मेन चीज़ भी उठाओ। ओ इन्वेंट्री फुल हो गई क्या मेरी, क्या फेंकूँ? ओह ये स्टेयर फेंक देते हैं। ओके डन, उठाओ और निकलो। फाइनली जाके हमारा अभी मेन गोल कंप्लीट हो चुका है और हमको एलाइट्रा मिल चुका है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ उड़ के इसमें कैसे भाई उड़ा जाएगा। पहनो इसको और मैं करने वाला हूँ सीधा जंप। व्हाट द हेल, ये क्या सीन है भाई, मैं उड़ा क्यों नहीं? अरे एक मिनट, इसको ज़रा ना दूसरी साइड करता हूँ, अगर मैं इसके नीचे गिरा ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे फिर मैं उड़ भी नहीं पाऊँगा, मेरे पास कोई रॉकेट वगैरह भी नहीं है, थोड़ा दूर हो जाते हैं इससे और यहाँ से उड़ने की ट्राई करेंगे। एक मिनट मैं दोबारा लगा देता हूँ ये स्काफोल्डिंग, एक बार ट्राई तो करें यार, क्या सीन है ये, मैं उड़ा क्यों नहीं? रुको ज़रा मैं दोबारा जंप करूँगा, ये पॉकेट एडिशन में वर्क नहीं करता क्या भाई, फिर से ये कैसा सीन है, मैं उड़ क्यों नहीं रहा, ज़्यादा ऊपर से उड़ना होता है क्या, मैंने तो वीडियोस में देख रखा है कि इतनी सी ऊंचाई से भी जंप करने पे उड़ता है बंदा, भाई ये क्या सीन है यार,
डिफेक्टिव माल दे दिया भाई इन्होंने मेरे को। यह लाइटर वर्क नहीं कर रहा, यह खराब दे दिया भाई इन्होंने मेरे को, इसको रिपेयर कराना पड़ेगा मेरे को और ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या सीन है? अरे ये तो मेरे पास फैदर फॉलिंग 2 है ना, नहीं सॉरी 3, इस वजह से मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रही, नहीं सही 4 ही होते हैं जितना है मैक्स होती है शायद, फैदर फॉलिंग 4 होगी अगर तो 4 ही होगी मेरे पास मैक्स शायद बूट्स पे, इस वजह से भाई मेरे को इतनी डैमेज नहीं पड़ रही। एक तो ये इन्होंने तंग कर लिया मेरे को बहुत ज़्यादा। क्या करूँ मैं, फिर उड़ क्यों नहीं रहा भाई मैं अभी, मेन तो क्वेश्चन ही यही है मेरा। एक मिनट यार। ओके गाइस, अभी तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया इसके बारे में, मैं अभी वीडियोस वगैरह देख के आया हूँ YT पे, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला ऐसा कि भाई मैं इससे जंप करके उड़ पाऊँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में कोई तरीका ढूंढ लूँगा। फिलहाल के लिए तो वीडियो हमारी यही थी आज की, आशा करता हूँ आज की जे वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप वीडियो के इस वाले पार्ट तक आ चुके हो तो मेरे को लग रहा है आपको वीडियो पसंद आ चुकी होगी, और अगर नहीं भी कोई पार्ट पसंद आया है आपको और पूरी वीडियो देख चुके हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ड्रॉप करते हुए जाना कि भाई आपको ये चीज़ चेंज करनी चाहिए और ये चीज़ आप इम्प्रूव करो, ठीक है? मतलब कुछ भी ऐसा आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं वो कर लूँगा, ठीक है? मतलब कमेंट सेक्शन में अपनी एक ओपिनियन ड्रॉप करते हुए जाना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा अच्छा कर पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो नीचे आपको लाइक बटन भी मिल रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन भी मिल रहा होगा, जिससे तुम्हारे भाई को सपोर्ट होगी। और हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करना चाहते हो, ओवर ही पसंद आ चुकी है हमारी वीडियो, तो आपको नीचे सुपर थैंक्स का भी बटन मिल रहा होगा, और सुपर थैंक्स की वजह से मैं थोड़ा सा और इंप्रूव कर पाऊंगा अपनी वीडियोस को, और भी ज्यादा अच्छे गियर्स ला सकता हूं, जैसे कि मोबाइल अच्छा, पीसी में अच्छी तरह से बाय कर सकता हूं मैं अपनी माइनक्राफ्ट, तो पीसी में खेलना शुरू कर दूंगा, कुछ ऐसा सीन भी मैं कर सकता हूं, तो आप नीचे सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। आशा करता हूं आज की जे वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।